Hello, welcome you all in today's session, and the topic of discussion is measurement of creativity. And I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad, and it is my email ID. So let's start a new topic, measurement of creativity. Means, Rachnatmakta ka maapan. Kaise kiya jayega Rachnatmakta ka maapan? To पहले भी रचनात्मकता पर मैंने एक वीडियो आपके संग शेयर किया था हिस्ट्री ऑफ क्रिएटिविटी करके, तो आप उसे पढ़ लेंगे तो आप क्रिएटिविटी समझ लेंगे। तो क्रिएटिविटी के हम मेजरमेंट की बात करेंगे तो शुरुआत हमको क्रिएटिविटी से ही करनी होगी। क्रिएटिविटी का मेजरमेंट मुश्किल है इंटेलिजेंस के मेजरमेंट से। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस को हम लोग जनरली जब हम बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे आगे गिलफर्ड की, तब आप समझेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग के बीच का डिफरेंस। क्योंकि इंटेलिजेंस को जब हम मापते हैं, जब हम आईक्यू नापते हैं, तो जनरली हम वैसे प्रश्न पूछते हैं जिनका एक ही उत्तर होता है सही, एक ही सही उत्तर। तो जितने लोग सही उत्तर देते हैं उनको हम उतने मार्क्स दे देते हैं, और जो लोग गलत देते हैं उनके मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी का अपने आप में जो कंसेप्ट है वो इतना डिफाइन नहीं है अभी तक। और दूसरी बात, जब हम क्रिएटिविटी को डाइवर्जेंट थिंकिंग से नापते हैं तो हमको ये नहीं पता होता है कि मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्या मतलब, कि एक चीज के कितने मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, तो उसमें से कौन सा सूटेबल है, कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। इसलिए क्रिएटिविटी का मापन मुश्किल है, क्योंकि क्रिएटिविटी इट्सेल्फ इज ए इल डिफाइंड कंस्ट्रक्ट टिल डेट। लेकिन फिर भी कुछ बातों पर साइकोलॉजिस्ट एक मत है। जैसे क्रिएटिविटी में क्या है कि आपको कुछ यूजफुल प्रोडक्शन करना है, कुछ इनोवेशन करना है, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन यूजफुलनेस, नॉवेल्टी, फ्लुएंसी, ये कुछ ऐसे उसके इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि क्रिएटिविटी में होते ही होते हैं। तो एक डेफिनेशन मैंने ली है रोड्स की, जो कि ये बताते हैं कि क्रिएटिविटी जो है वो चार चीजों से, चार क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। चार क्षेत्र इससे संबंधित है। कौन कौन से? सबसे पहला द पर्सन हु क्रिएट, सबसे पहले वो व्यक्ति जो कि कुछ बनाएगा या बनाता है, वो व्यक्ति है, बहुत सारे व्यक्ति। फिर द कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ आइडियाज, पहली बात तो पर्सन वो जरूरी है, वो संबंधित है क्रिएटिविटी से। फिर वो जो कॉग्निटिव प्रोसेस आपके दिमाग में चल रही है, जो भी कॉग्निशन है, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, व्हाटएवर, जो कुछ भी कॉग्निशन चल रहा है दिमाग में, वो सब क्रिएशन ऑफ आइडियाज से रिलेटेड है, और वो भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। फिर द प्रेस और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, कैसा एनवायरमेंट आपको क्रिएटिव बनाता है, कौन सा वो एनवायरमेंट है जो क्रिएटिविटी को हैम्पर करता है। एंड द लास्ट द प्रोडक्ट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम क्रिएटिव एक्टिविटी, जो निकल कर आता है, जो उत्पाद बनता है। इसलिए अक्सर क्रिएटिविटी को 4P से रिलेट करते हैं। 4P, द फर्स्ट वन इज पर्सन, सेकंड वन इज प्रोसेस, थर्ड वन इज प्रेस, एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्ट। तो क्रिएटिविटी आप समझ सकते हैं कि कितना मल्टी डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट है। फिर हम बात करते हैं कि कैसे नापा जाए क्रिएटिविटी को। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहली बात, हम इस तरह से नाप सकते हैं कि हाउ क्रिएटिव अ पर्सन इज, अगर हम व्यक्ति को नापें कि वो कितना रचनात्मक है, तो इसके लिए गिलफर्ड मॉडल चलता है, और हमारा पूरा प्रेजेंटेशन गिलफर्ड मॉडल पे ही बेस्ड है। आप ऐसे भी नाप सकते हैं, मेजरिंग हाउ क्रिएटिव अ वर्क इज। हम पर्सन को ना नापें, उसकी रचनात्मकता ना देखें, ये देखें कि वो जो कार्य उत्पादित हुआ है वो कितना क्रिएटिव है। तो इसके लिए द टैक्सोनॉमी ऑफ क्रिएटिव डिजाइन फॉलो किया जाएगा मॉडल। फिर आप ऐसे भी नाप सकते हैं, मेजरिंग क्रिएटिव वर्क अगेंस्ट अ प्रोग्राम, मतलब कोई प्रोग्राम पहले से रन कर रहा है और उसके अगेंस्ट ये कितना क्रिएटिव है या कितना इनोवेटिव है, कितना नॉवेल है। इसके लिए चलता है द रिक्वायरमेंट्स मॉडल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सोशल वैल्यू ऑफ क्रिएटिव वर्क। क्यों? जब भी आप क्रिएटिविटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको ये उसमें निकल के आएगा कि सोशली यूजफुल होना चाहिए आपका इनोवेशन। आप बहुत बढ़िया इनोवेशन कर रहे हैं पर वो समाज के हित में नहीं है, तो फिर वो क्रिएटिव नहीं है। और इसके लिए ये एक मॉडल है, इस थोड़ा सा डिफरेंट है, मुश्किल है इसका प्रोनाउंसिएशन, आप इसको अपने हिसाब से समझ लीजिए। तो हम पूरा हमारा प्रेजेंटेशन गिलफर्ड साहब पर बेस्ड है, कि गिलफर्ड ने कैसे, कब, कैसे, कहां से शुरुआत की मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी की। सबसे पहले कुछ प्रीवियस अप्रोचेस जाने मेजरमेंट
गिलफर्ड से पहले भी काम हो रहा था, तब भी बातें हो रही थी क्रिएटिविटी की। तो पहले हमको ये जानना होगा कि शुरुआत में गिलफर्ड से पहले ये माना जाता था कि जो आईक्यू है और क्रिएटिविटी है वो साथ साथ चलते हैं, मतलब कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आप जितने हाईली इंटेलिजेंट होंगे उतने ही हाईली क्रिएटिव होंगे। बाद में गिलफर्ड ने इसको कंडेम किया और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो उनके पहले के ये जो दो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसी क्रम में काम कर रहे हैं कि आईक्यू और क्रिएटिविटी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो फ्रांसिस गैल्टन का नाम आता है सबसे पहले। ही हैज कंडक्टेड अर्ली हिस्टोरियोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ इमिनेंस जीनियस एंड प्रोडक्टिव क्रिएटर्स इन हिज बुक हेरिडिटरी जीनियस। देखिए 1869 में किताब लिखी गई है, हेरिडिटरी जीनियस। गाल्टन सॉट टू एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच एमिनेंस और जीनियस कुड बी पास डाउन थ्रू द जेनरेशन। देखिए जैसे कि नाम से स्पष्ट है, हेरिडिटरी जीनियस यानी कि जितनी भी आप में जीनियस होने की कैपेसिटी है वो हेरिडिटरी में कैसे जाती है, जनरेशन से कैसे पास आउट होती है, इस पर काम कर रहे थे गाल्टन। और इन्होंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव क्रिएटर्स की बात की, तो कहीं ना कहीं ये क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। देन हार्ग्रीव्स ये क्या लिखते हैं, इनकी किताब का नाम है, इनकी स्टडी का नाम है द फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन। यानी कि जब आप कल्पनाशीलता क्षेत्र में होते हैं तो कौन सी फैकल्टी आपके दिमाग की उसमें काम कर रही है। ही वॉज एबल टू आइसोलेट अ फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस दैट कॉरेस्पॉन्डेड विथ फ्लुएंट आइडिएशनल प्रोडक्शन बट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ जी। मतलब ये उस वक्त ये योग्य हो गए, मतलब काबिल हो गए, ये कर पाए, क्या कर पाए, इन्होंने अलग कर लिया इंटेलिजेंस से वो फैक्टर जो कि फ्लुएंट आइडिएशनल प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार था और जो कि जी नहीं था। जी क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, जो स्पीयरमैन का फैक्टर चलता है, जी फैक्टर, एस फैक्टर, ये वहां से जी लिया गया है। दिस टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई एफ और फ्लुएंसी फैक्टर, यानी कि जो इनका टेस्ट था, जो इन्होंने बनाया कुछ अपना, उसमें ये फ्लुएंसी नाप रहे थे। तो हार्ग्रीव्स जो है वो ये पथ खोल देते हैं, रास्ता खोल देते हैं, जिससे कि गिलफर्ड और आगे आने वाले बाकी लोग क्रिएटिविटी को फ्लुएंसी से जोड़कर टेस्टिंग उन्होंने बनाई है। फिर आइए गिलफर्ड पे। गिलफर्ड को हम हिस्ट्री इंटेलिजेंस में भी पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि गिलफर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल पढ़ते हैं हम लोग। तो फॉर मोस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट आईक्यू एंड क्रिएटिविटी वर लिंक्ड, ये बात हमने की, लेकिन गिलफर्ड ने इसको गलत प्रूव किया अपने मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट में। कैसे गलत प्रूव किया, क्योंकि इन्होंने दो फैक्टर ढूंढे हैं थिंकिंग के, कौन कौन से, दो तरीके की थिंकिंग को इन्होंने आइडेंटिफाई किया, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्या मतलब है, यूनिक आंसर्स टू ओपन एंडेड क्वेश्चंस। हमने आपसे कुछ भी पूछ लिया, कल्पना कीजिए, अब आप कल्पना कीजिए कितना यूनिक आप कल्पना कर सकते हैं। एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग का क्या मतलब है कि बहुत वन राइट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का एक और एक ही सही उत्तर होगा। ठीक, तो ये दो उन्होंने आइडेंटिफाई की और फिर उन्होंने बताया कि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, और यहाँ से इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की राहें अलग होती हैं। देन इनका जो टेस्ट था वो गिलफर्ड्स टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से जाना जाता है। 1967 में ये बना है। He developed a test for assessing creativity and called it Guilford's alternative uses task. और इसको कहा गया कि Guilford का alternative uses, मतलब कि हम किसी चीज के और कितने alternative बना सकते हैं uses में। और scoring कैसे की गई, ये देखिए, ये जो चार components हैं, ये creativity के चार बहुत famous components हैं, originality, fluency, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलेबोरेशन। ओरिजिनैलिटी मतलब आप कितना अनयूजुअल रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी प्रश्न का, कितना यूनिक। फ्लुएंसी माने हाउ मैनी, कितने ज्यादा देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में कितने प्रकार के देते हैं, मतलब आप अलग भी दीजिए, ज्यादा भी दीजिए, और उसमें भी प्रकार होने चाहिए बहुत सारे, यानी कि आप फ्लेक्सिबल हैं, रिजिड नहीं है कि एक ही दिशा में सोच रहे हैं। देन इलेबोरेशन, अमाउंट ऑफ डिटेल गिवन इन द रिस्पॉन्सेज, यानी कि बस एक शब्द का एक हमने उत्तर दिया और फिर हम चुप हो गए, नहीं, इलेबोरेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लुएंसी है, ओरिजिनैलिटी है, अगर हम ये सब रखते हैं तब तो हम क्रिएटिव हैं, अदरवाइज वी आर नॉट एट ऑल क्रिएटिव। तो इसलिए चूंकि अपने आप में ऐसे कॉम्पोनेंट्स है, इसीलिए इनकी स्कोरिंग भी मुश्किल है, कितना ओरिजिनल, इसी पे तो डिपेंड करेगा कि जो हमने पॉपुलेशन लिया, अगर उसमें कोई भी कुछ ही लोग हैं जो बता रहे हैं तो वही क्रिएटिव हो जाएंगे, अगर पूरा लॉट ही क्रिएटिव नहीं है तो। इसलिए इसका मापन आईक्यू के मापन से मुश्किल है। फिर परेन साहब का नाम आता है। इन्होंने गिलफर्ड के अपने मतलब रिसर्च पे बेस्ड अपना टेस्ट बनाया, ई पॉल टॉरेंस, बिल्ट ऑन गिलफर्ड्स रिसर्च डेवलपिंग द टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, इसको TTCT के नाम से जानते हैं, दैट अटेम्प्ट टू साइकोमेट्रिकली मेजर डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यानी कि जो इनका टेस्ट है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को मेजर करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी करता है। इन साइकोलॉजिकल लिटरेचर टॉरेंस हैज बीन कॉल्ड एज द फादर ऑफ क्रिएटिविटी रिसर्च। यानी कि जब आप साइकोलॉजी का लिटरेचर उठा के पढ़ेंगे तो टॉरेंस को पिता कहा जाता है क्रिएटिविटी रिसर्च का, इतना इंपॉर्टेंट इनका टेस्टिंग है क्रिएटिविटी पर इनका काम।
फिर इस पे गार्नेट मिलर इनके सहयोगी रहे, उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत बढ़िया स्कोरिंग करता है क्रिएटिविटी पे टीटीसीटी, और ये केवल क्रिएटिव एबिलिटीज नहीं बताता है, बट दे हैव प्रूवन टू हैव प्रिडिक्टिव वैलिडिटी टू। मतलब कि अगर हम किसी बालक पर टीटीसीटी लगा रहे हैं तो हम ये बता सकते हैं कि भविष्य में वो क्रिएटिव होगा या नहीं। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी आप जानते हैं। सॉरी, TTCG was developed in 1966 and it has been renormed 4 times. 4 बार इसको इसका नॉर्म चेंज किया गया है, 1974 में, 1984 में, 1990 में और 1998 में, और मूल रूप से ये 1966 में बना। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, TTCG वर्बल और TTCG फिगरल। वर्बल में यानी कि बोलकर आपसे कुछ काम कराया जाएगा, फिगरल में आपको कुछ ड्रॉ आउट करना होगा। तो वर्बल में 5 टास्क हैं, कौन कौन से? आस्क एंड गेस, आपसे कुछ पूछा जाएगा, गेस करेंगे आप। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको कैसे सुधार सकते हैं, कितना यूनिक आप बता सकते हैं सुझाव। देन अनयूजुअल यूजेस, अनयूजुअल क्वेश्चंस, एंड जस्ट सपोज, मतलब जस्ट सपोज कि अगर दुनिया खत्म हो जाए, जस्ट सपोज कि बाढ़ आ जाए, जस्ट सपोज कि भूकंप आ जाए, कुछ भी इस तरीके का, तो कितना यूनिक जो है व्यक्ति जो है उसका आंसर दे रहा है। ओके, देन टीटीसीटी फिगरल क्या है? 3 टास्क इसमें आपसे करवाए जाते हैं, पिक्चर कंस्ट्रक्शन, पिक्चर कंप्लीशन एंड रिपीटेड फिगर्स ऑफ लाइंस एंड सर्कल्स। तो इनका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे देखें आप कितना बढ़िया ड्रॉइंग करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप क्या बना रहे हैं, कितना यूनिक, जो कोई नहीं बनाता। अगर आपको दे दिया गया कि एक पियर शेप्ड का स्ट्रक्चर और सबसे कहा गया कि इससे कुछ बनाना है, तो किसने सबसे यूनिक बनाया है वो क्रिएटिव हो जाएगा। ओके, देन स्कोरिंग इसमें भी वैसे ही चलती है, गिलफर्ड के चारों लिए इन्होंने, ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलेबोरेशन, बट 2 और जोड़े हैं, एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल्स एंड रेजिस्टेंस टू प्रीमेच्योर क्लोजर। ये 2 फैक्टर ये बाद में जोड़ते हैं, कब जोड़ते हैं? 1990 में। तो इनके हो जाते हैं 6, यानी कि जब टीटीसीटी की स्कोरिंग करेंगे तो इन 6 फैक्टर्स पे होगी। तो बाकी 4 तो हम समझ चुके हैं, जो ये लास्ट के 2 हैं वो क्या है? एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल्स क्या है? इट सीक्स टू मेजर एब्स्ट्रैक्ट थॉट बाई रेटिंग हाउ फार द टाइटल ऑफ इमेजेस मूव अवे फ्रॉम कॉन्क्रीट लेबलिंग, यानी कि कितना हम एब्स्ट्रैक्ट लेबलिंग कर सकते हैं, कितना हम कितना दूर जा रहे हैं उस इमेज से। क्यों? क्योंकि जो फॉलोअर्स होते हैं, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं, वो फॉलोअर्स हैं, और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले हैं वो क्रिएटर्स हैं। मतलब वो अलग चलना है, उनको अपना पथ बनाना है और दूसरे लोग उनको फॉलो करेंगे, तो हमको यूनिक बनना है। देन रेजिस्टेंस टू मैच्योर क्लोजर क्या है? इट सीक्स टू मेजर ओपन माइंडेडनेस, कितना आप खुले दिमाग से चीजों को समझते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, यूनिक सॉल्यूशन देते हैं, फ्लुएंट हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ओरिजिनल हैं और इलेबोरेट कर सकते हैं। देन द फाइनल स्कोर इज कॉल्ड अ क्रिएटिविटी थिंकिंग क्वेश्चन और CQ, जैसे IQ वैसे CQ। तो IQ क्या मेजर करता है? रिकॉल ऑफ फैक्ट्स मेजर करता है, जबकि CQ क्या मेजर करता है? इट रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू कोप अप विद इनोवेशन, ओरिजिनल एंड नॉवल थॉट्स, आइडियाज एंड इमेजेस। तो आई होप कि अब आप समझ चुके होंगे कि क्रिएटिविटी का मापन इंटेलिजेंस के मापन से मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि दो हम अपने कॉग्निशन की अलग अलग थिंकिंग पैटर्न्स को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि क्रिएटिविटी को मेजर ही नहीं किया जा सकता, कुछ तो ये भी कहते हैं कि जब तक आप क्रिएटिविटी को हैम्पर नहीं करेंगे, जब तक आप क्रिएटिविटी को कर्व नहीं करेंगे, तब तक आप मेजर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कोशिश की और बहुत हद तक सफल भी हुए हैं अपनी कोशिशों में। तो ये कुछ आपके रेफरेंस के पॉइंट्स हैं जहां से आप इसको और डिटेल पढ़ सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू ऑल, एंड आई हैव कंप्लीटेड वन मोर टॉपिक टुडे, मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी में हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिए, हिस्ट्री ऑफ क्रिएटिविटी एंड मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। अब एक क्रिएटिव प्रोसेस रह गया बस। ओके, सो नेक्स्ट टाइम, एंड डन फ्रॉम माई साइड दिस टाइम, बाय।